गाइस गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं रिद्धि खोरा आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल हरी मधुर लाइफस्टाइल में। सो अभी मॉर्निंग का टाइम है, अभी सुबह के 8:30 बजे है और हम लोगों ने कल रात को सडनली ही प्लान बनाया है बिकॉज आज है संडे। इसलिए आज संडे हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग जाने वाले हैं पिकनिक पे। अब कहाँ पे जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, वो सब आप लोगों को आगे आगे पता चल जाएगा। फिलहाल अभी सुबह का टाइम है तो सबसे पहले तो हेमल अभी सो रहे हैं, तो हेमल को जगाती हूँ, माता रानी की पूजा करती हूँ और थोड़ी बहुत तैयारियां भी करनी है सो वो भी फटाफट से फिनिश करती हूँ। सो वैसे सुबह सुबह माता रानी की पूजा भी हो गई है और दूसरा जो कुछ भी काम क्लीनिंग वगैरह का होता है वो भी सब कुछ हो गया है। और ना हम लोग वहाँ पे जहाँ पे पिकनिक में जाने वाले है वहाँ पे हम लोग दोपहर का लंच लेके जाने वाले हैं साथ में घर से। वैसे तो हम ज्यादातर सुबह अर्ली मॉर्निंग को जाते हैं तब लंच लेके नहीं जाते हैं, बाहर ही हम लोग लंच कर। आज हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आज ना हम तीनों देवरानी जेठानी थोड़ा थोड़ा खाना बना के वहाँ पे ले जाएंगे ताकि घर का खाना हो ना तो बहुत ज्यादा मजा आता है। सो अभी थोड़ा थोड़ा मैं बनाने वाली हूँ, थोड़ा कोमल भाभी बनाने वाले हैं और थोड़ा दीपिका भाभी बनाने वाले हैं। सो इस तरह से कुछ डिसाइड किया है तो बस थोड़ा बहुत मुझे दोपहर का लंच बनाना है लेके जाने के लिए, वैसे ज्यादा कुछ नहीं बनाना है। और अभी सुबह के 9 बजे है। सबसे पहले मैं जाऊंगी टेरेस पे, प्लांट्स को पानी दूंगी और उसके बाद जाऊंगी किचन में और जो कुछ भी थोड़ा बहुत बनाना है वो बनाएंगे, फिर रेडी होंगे और फिर हम लोग जाएंगे पिकनिक करने के लिए। बच्चों के साथ बहुत ज्यादा ही एंजॉय करने वाले हैं। अब कहाँ पे जाने वाले हैं वो आप लोगों को आगे आगे वीडियो में पता चलेगा, सो लास्ट तक वीडियो में जरूर से बने रहिएगा। सो चलिए चलते हैं पहले और काम फिनिश कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। सो गाइस अभी हम लोग हो गए हैं रेडी, मैं यहाँ पे रेडी हूँ, हेमल अभी थोड़ा रेडी हो रहे हैं। सो हेमल से भी आप लोगों को मिलवाती हूँ और जो लंच हम लोग लेके जाने वाले हैं, वैसे मैंने जैसा कि सुबह ही बताया कि थोड़ा थोड़ा डिवाइड किया है कि थोड़ा मैं बनाऊंगी थोड़ा कोमल भाई बनाएंगे ताकि सब थोड़ा थोड़ा बना के आएंगे तो मजा आएगा सब लोगों को पिकनिक करने का। तो मेरा तो यहाँ पे एकदम से लंच रेडी है जो ले जाने का है वो। अब क्या मैं लेके जा रही हूँ वो तो मैं आप लोगों को वहीं पे जाके बताऊंगी कि क्या क्या हम लोग लंच में लेके जा रहे हैं। सुपर है, टेस्टफुल है और सबका फेवरेट भी है, सो वो वहीं पे जाके बताऊंगी। यहाँ पे हेमल भी एकदम से रेडी है। हाय हेमल, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वैसे अभी गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून थोड़ा हो गया है क्योंकि 12:10-12:15 का टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, थोड़ा लेट हो गया है। वैसे हम लोग 11 बजे जाने वाले थे, फिर थोड़ा बनाया तो थोड़ा लेट हो गया, बट चलता है पिकनिक में नो टाइम देखने का, एंजॉय ही करने का क्योंकि घर पे तो वापस रात को ही आना है हमें, रात को आएंगे ना। चलो जाते हैं। चलिए तो हेमल बोलिए, आपको पिकनिक में आने का मजा आएगा कि नहीं आएगा? यस, जब हम छोटे थे ना तब ना स्कूल से जाया करते थे। हाँ वो तो स्कूल से, बट फैमिली के साथ ज्यादा मजा आता था ना। वैसे फ्रेंड्स के साथ भी मजा आता है, उसमें कुछ नहीं है क्योंकि वो तो लाइफ ही अलग होती है स्कूल लाइफ, बट ये भी फैमिली वाला भी फील और होता है। सो चलिए अभी ज्यादा बातें नहीं करते हैं, ऑलमोस्ट कोमल भाभी यहाँ पे आ रहे हैं। अभी हम लोग आधे ही यहाँ से निकल रहे हैं, थोड़े बहुत अभी रेडी हो रहे हैं तो एक एक करके निकलेंगे, सब हाँ, साथ में होंगे हम लोग जा रहे हैं और कोमल भाभी साथ में। हाँ कोमल भाभी और बच्चे सब साथ में आ रहे हैं और हाँ पीयूष भाई को थोड़ा काम है इसलिए वो थोड़ा बाद में आएंगे, ऐसा सब कुछ है। बट अभी फिलहाल जा रहे हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे और संडे को एकदम से फन डे बनाएंगे। चलिए हेमल चलो। रिट्स अभी कितनी देर लगेगी? बस मैं तो रेडी ही। देखो रिट्स मुझे बोल रहे हैं कि कर रही थी इसलिए वो बाकी, और ना पार्थ भी आ गया है, यहाँ पे। गुड मॉर्निंग पार्थ, आज फुल धमाल मचाएंगे ना पिकनिक करते, बिकॉज हमारा वेकेशन है, मेरा नहीं। हमारा क्या, तुम्हारा क्या वेकेशन? पार्थ का वेकेशन है इसलिए मेरा भी वेकेशन। सो चलिए बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं, कोमल चलो फटाफट से चलते हैं, चलते हैं, चलिए चलिए चलिए। तो अभी हम लोग घर से निकल गए हैं और बहुत ज्यादा ना लेवल पार करते, उतनी धूप है क्या बात बताए। देखिए आगे इतना बड़ा ट्रक जा रहा है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, मुझे भी ट्रक दिखा, ट्रैक्टर नहीं हुआ तो बस से जाके उसे जा क्या रहे गए। ट्रैक्टर निकले है तो मैं तो ट्रक बोल रही थी, ट्रैक्टर है। चलिए तो हम लोग जा रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है और निकला ट्रैक्टर और उसमें ना बहुत ज्यादा बोरियां भर भर के गेहूं आई थी जा रहे थे। तो चलिए बहुत अच्छे अच्छे रास्तों का व्यू देखते हैं। ईशान भी आ चुका है, ईशान अभी ईशान को ऐसे लेना था, ड्रॉप नहीं करना था हमें। वो तड़का बोल रहा है। क्यों बच्चों, घर से निकले और धूप लगने लगी है मेरे को। तो अभी फिलहाल ना हम लोग ही है, मैं हेमल, कोमल भाभी, ईशान, पार्थ, तो हम इतने ही अभी जा रहे हैं, दूसरे पता नहीं अब आ रहे हैं सब एक एक करके। क्यों ईशान ऐसे आएंगे ना, चलो हम चलते हैं। हम लोग कहाँ पे पहुँचे हैं? हम लोग
हैं, बाबरा से भी आगे जाने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा ही मजा आएगा। और पोरबंदर से ये ट्रक ट्रैक्टर जो बोल रहे थे ना, वो हमारे साथ साथ ही आ रहा है। देखिए वहाँ पे आगे देखिए, अब वहाँ उसमें गेहूँ पता नहीं क्या जा रहा है, बट वो हमारे पोरबंदर से साथ साथ आ रहा है। पता नहीं अब जहाँ हम जा रहे हैं वहीं आ रहा होगा। तो चलिए, तो ब्यूटीफुल देखिए, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है चारों तरफ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी धूप है यार, जैसा बोल सकते हैं, बहुत जबरदस्त धूप लग रही है। वापस से ये ट्रैक्टर हमारे साथ आता हुआ, इसमें क्या है अब तो दिखाई देना चाहिए ना, बहुत सस्ती का है। और ये देखिए अभी भी हमारे साथ ही आ रहा है। और यहाँ पे है कात्रण माँ का टेम्पल बाबड़ा। फाइनली हम लोगों ने उस ट्रैक्टर वाले को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि आगे का रास्ते का व्यू ही नहीं दिख रहा था, उसका ट्रैक्टर और उसका कंपास ही दिख रहा था। देखिए अब क्लियर हो गया रास्ता, और देखिए वो पीछे आ रहा है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। सो आज हम लोग आए हैं, आज संडे है इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ पे भगवदर श्री रांदल माता के टेंपल पे। सब लोग पहुंच गए हैं, पर धूप की वजह से ना सबकी बैटरी लो हो गई है। हेमल देखिए यहाँ पे, और पार्थिसन फोन में कुछ कर रहे हैं। कोमल भाभी भी, एक कोमल भाभी स्कूटर चला के यहाँ तक आए हैं, सो वेल डन कोमल भाभी। क्योंकि कोमल भाभी वहाँ सिटी में तो चला लेते थे, हेमल फर्स्ट टाइम पीयूष भाई के बिना आए हैं यहाँ पे, वो भी बच्चों को लेके, तो बहुत बड़ी बात है। और पार्थ, ईशान अभी अंदर जाना है क्या? देखो कर रहे हैं स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच कनेक्ट कर रहे हैं ऐसा है। और अभी हेमल बोल रहे हैं कि हमें टेंपल के अंदर नहीं जाना है, कहीं और जाना है। अब कहाँ पे नहीं जाना है, अभी थोड़ी देर हाँ, ऐसा अभी नहीं जाना है ऐसा बोल रहे हैं। कहाँ जाना है? तो यहाँ पे आगे जाना, कोल्ड ड्रिंक्स भी ना, कोल्ड ड्रिंक्स या गन्ने का जूस, गन्ने का जूस। कोल्ड ड्रिंक्स तो यहाँ पे भी मिल रहा है, पर हेमल को मिल खा पीना है, गन्ने का जूस अभी जा रहा है यहाँ बारी पे ही, क्योंकि ना बारी में गन्ने है, गन्ने खा लीजिए तो जूस ऑलरेडी हो जाएगा। नहीं यहाँ पे नारियल है, देखिए कितने हैं, कोकोनट है, वो चलेगा? हाँ चलेगा, जाओ वहाँ से। तो देखो पर इसमें तो कोकोनट ही नहीं है, जो जो ये कोकोनट ट्री है ना, पर देखो देखो यहाँ नीचे है, पट वो किसी ने पी के रखे हैं। और यहाँ पे देखिए चारों तरफ। सो गाइस अभी हम लोग सडनली ही यहाँ पे मस्त गन्ने का जूस पिलाए हैं। फाइनली हेमल को गन्ने का जूस मिल गया है, यहाँ पे गाँव में भी गन्ने का जूस मिल गया है हेमल को। बट यहाँ पे ना बहुत सारे अलग अलग शॉप है गन्ने के जूस, बहुत सारी है हेमल, वहाँ से लेके यहाँ तक। क्या बोलूँ अब इसमें,
और देखे बच्चों तो अभी भी फोन में ही लगे हुए हैं और अभी सब गन्ने का जूस एंजॉय करेंगे। सो गाइस फाइनली यहाँ पे मेरा गन्ने का जूस आ गया है। मेरा नहीं, मुझे तो पीना ही नहीं है, इन सब को पीना है। देखिए हिमल कैसा है, ठंडी ओ गर्मी में ठंड, गर्मी में गर्मी दूर भगाना हो तो गन्ने का जूस पियो। कोमल का पी पार, मुझे और ईशान को नहीं पीना है। देखिए अभी एक तो घट घटा गए ये दोनों, ये और ये पार्थ और इसके चाचू, अब दोनों की दूसरा टर्न आया है। देखो पार्थ तुम्हें गन्ने का जूस पसंद है, पार्थ है ना ये बहुत स्माइली से इशारे में कह दिया ऐसा। मन में तो बोल रहा होगा कि चुपचाप पहले पीने दो और ठंडा होने दो। चलिए तो सब लोगों ने गन्ने का जूस पी लिया है, अब चलते हैं वापस से टेंपल की ओर। चलिए आना है तुम दोनों को, क्या यहीं पे रुकना है, यहीं रुक जाओ। देखो यहाँ पे इतनी सारी सोप है, खा लेना पी लेना और यहीं पे रह जाना। चलो